अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको PPSC के ज़रिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से ऐलान करदा असामियों के मुतालिक बताएंगे। इन असामियों में कैसे अप्लाई करना है, इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक सरकारी अदारा है जो कि सूबाई सिविल सर्विसेज और मैनेजमेंट सर्विसेज की इंतजामिया के लिए जिम्मेदार है। इसका बुनियादी मकसद मैरिट पर मबनी, शफाफ और तेज अमल के जरिए मौजू उम्मीदवारों का इंतखाब करना है ताकि पेशा वाराना महारत और काबिलियत को फरोग दी जा सके। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से तहसीलदार और नायब तहसीलदार के असामियों का ऐलान किया गया है, जिसमें पंजाब के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। तहसीलदार की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए तालीमी काबिलियत किसी भी तस्दीकशुदा अदारे से ग्रेजुएशन है। इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए मर्दों के लिए उम्र की हद 33 जबकि खवातीन के लिए 36 साल है। तहसीलदार की पोस्ट पर सुबह पंजाब के तमाम अजला से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। नायब तहसीलदार की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए तालीमी काबिलियत किसी भी तस्दीकशुदा इदारे से ग्रेजुएशन और साथ में कंप्यूटर का बुनियादी इल्म होना जरूरी है। इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए मर्दों की उम्र की हद 33 जबकि खवातीन की 36 साल है। ये असामी पंजाब के मुख्तलिफ अजला के उम्मीदवारों के लिए है, जिसमें रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलपुर शामिल हैं। इन असामियों में अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना होगा, जिसके साथ तालीमी असनाद, CNIC और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी जमा करवाना जरूरी है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के असामियों में भर्ती के लिए मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद मुंतखब शुदा उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न टेस्ट को क्लियर करने के लिए उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वो 50% नंबर हासिल करें। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के असामियों में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर 2020 है। जॉब्स के बारे में मजीद जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक दी गई डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। शुक्रिया।